कांग्रेस से शुरू हुआ एसटी अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन से उपद्रव में बदले इस घटनाक्रम को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन आंदोलनकारियों की ओर से अब तक उदयपुर से अहमदाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर लगातार कब्जा किया हुआ है। इस उपद्रव को शांत करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा के प्रसाद गांव में स्थित निवास पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रघुवीर मीणा के अलावा जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया, बीटीपी के दोनों विधायक, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले, जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। इस बैठक में करीब 3 घंटे तक इस आंदोलन को शांत कर समाप्त करने पर मंथन किया गया। बैठक में शामिल हुए सभी लोगों ने आपस में चर्चा की, आंदोलनकारियों से शांति रखने की अपील की। इस बैठक में मौजूद नेताओं ने एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को संवैधानिक और कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए रजामंद किया है। साथ ही बैठक में शामिल हुए नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारियों से मुलाकात करेगा और इस बैठक के लिए निर्णय की जानकारी देगा। बैठक के बाद बीटीपी के नेताओं ने इस हुड़दंग का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ा है। दरअसल इस दौरान सभी नेताओं ने जल्द से जल्द इस आंदोलन के समाप्त होने का दावा किया, हालांकि इस मीटिंग का असर बिल्कुल भी उपद्रवियों पर अभी तक नहीं देखा गया है। उन्होंने बैठक के बाद दौरान ही खैरवाड़ा कस्बे में पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। सभी चैनलों को हमारी ओर से सबसे पहले तो जोहार। अब ये खैरवाड़ा तक आ गए हैं, वो सूचना किसके पास आई है? आपके पास आई है या फिर प्रशासन के पास आई है? ये हमको चाहिए। प्रशासन की लापरवाही से सब हो रहा है, प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है। राज्य सरकार भी इसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक कमजोरी दिखा रही है। अब इतने लंबे समय से डिमांड चल रही है, उस डिमांड को उन लोगों को मान लेना चाहिए था। और हम लोग आपके चैनल के मार्फत से कहना चाह रहे हैं, इस इलाके में कोई बाहरी ताकत नहीं आई। अभी चैनल हम देखते हैं, उस चैनल में बाहरी ताकत है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। और यहाँ तक इवन यहाँ भी कहा जा रहा है कि क्या ये भविष्य तय करेंगे ऐसे लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो लड़के बैठे हैं वो कतई किसी ने कुछ नहीं किया है। अब उसके अंदर हुआ ये है कि आपके केसीराजी से लेकर रतनपुर तक बॉर्डर तक जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए पहले पुलिस द्वारा, पहले जो 15-20 सालों से वो लोग खार खाए हुए हैं, उन लोगों का ये एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। दूसरा है कि ग्रामीणों के जो जितने भी लोग 400 से 500 600 लोग गिरफ्तार कर लिए, घर के अंदर मारा पीटा गया है, आपके जो डिलीवरी महिला है उनको मारा पीटा गया है, कर्मचारियों को मारा पीटा गया है। जब वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनको जो गिरफ्तार किया, और आज 600-700 लोग उदयपुर की डूंगरपुर की जेलों में बंद है, सभी थानों में। तो कम से कम पुलिस प्रशासन ने पीटा है, हम तो खुला बोलेंगे सत्यमेव जयते, कोई हमें किसी छुपाना नहीं। इसलिए हम लोग निवेदन दो हाथ जोड़कर कहना चाह रहे हैं पूरे राजस्थान की जनता से कि आदिवासी इलाके को कोई बदनाम नहीं करे, कोई बाहरी ताकत नहीं आई है। और प्रसाद देखो, हमारे नेताओं ने जो बात कही उससे मैं तो 2 कदम आगे बढ़ के बात करना चाह रहा हूँ। ये मात्र और मात्र अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, इसमें जिला प्रशासन और आपका इस इलाके का जितना भी प्रशासन है वो भी शांति व्यवस्था बनाए रखे और अभ्यर्थी भी शांति व्यवस्था बनाए रखे। आज हमारी बैठक हुई है और हमारे मंत्री जी अर्जुन जी, हमारे विधायक महोदय गोगरा जी और प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राजकुमार जी बीटीपी के हमारे विधायक हैं, राम प्रसाद जी विधायक हैं और हमारे एक्स एमपी साहब ताराचंद जी भगोरा साहब हैं, एक्स प्रधान लक्ष्मण जी हैं और हमारे अधिकारी साहिबान भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे गमेती ही मुखिया हैं और समाज के हमारे देवेंद्र जी कटारा पूर्व विधायक भी हैं, वकील साहिबान भी हैं, सरपंच साहिबान भी हैं और सभी स्टूडेंट्स प्रतिनिधि भी हैं। मिलके यहाँ मीटिंग की है और पूरी स्थिति से काफ़ी लंबी चर्चा हुई। 20-22 जनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सभी चिंतित भी हैं और समस्याओं से भी चिंतित हैं, सरकार से बराबर बात भी कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं और जल्दी हम सब मिलके मुख्यमंत्री जी से बात करके और इसका रास्ता भी निकालेंगे। हमारी विशेषकर अपील ये है पूरे क्षेत्र के हमारे नौजवानों से कि किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और ये जो अशांति फैल रही है ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, ये जो नुकसान हो रहा है इसको रोका जाए और किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखें। मांगे उन्होंने ये जो रखी है 1167 जो पद है, ये पद
जो बचे हुए हैं इनको, चूंकि इस क्षेत्र टीएसपी एरिया है, इनका ये कहना है कि हमारे लिए ये पद अलॉट किए जाएं। जब एकल पीठ में हम जीत गए थे तो सरकार डीबी में जाके और फैसला बदलवाया है, स्थिति बनी हुई है। अभी सरकार का भी एक ही फोकस है, यहाँ जो लोग हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका भी एक ही फोकस है कि ये जो उग्र आंदोलन हुआ है उसको कैसे भी करके शांत किया जाए। सीएम साहब ने भी हमको आश्वस्त किया है, हमारे जो रघुवीर जी ने बताई थी सामने कि सरकार ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि इनका समाधान कैसे भी करके हम निकालेंगे। लेकिन एक बार पहले जो प्राथमिकता देनी है हमें कि ये जो उग्र रूप धारण कर रहा है उसको कहीं न कहीं मतलब शांत करना है। और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि अभी जो निर्वाचित है वो भी है, मंत्री जी भी हैं, पूर्व सांसद साहब भी हैं, सभी ने, मैं खुद उनसे अपील कर रहा हूँ कि हमें सबको आगे जाके उन लोगों से अपील करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखे। अभी जो स्थिति बनी हुई है आप लोग मीडिया में भी छाप रहे हो कि विद्यार्थी प्लस प्रशासन, लेकिन वो चीज नहीं हुआ अभी। अभी ये क्या हो रहा है, विद्यार्थी बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के गांवों के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए, उसकी वजह से अभी जो गांव वाले जो ग्रामीण है, ग्रामीण वर्सेस प्रशासन हो गया है। तो इस चीज का भी हमने प्रशासन से वार्तालाप की है, मैसेज पहुंचा रहे हैं, सभी लोग सभी जनप्रतिनिधि मैसेज पहुंचा रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं छोड़ा जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जो ये सहमति बन गई है, अभी जो बैठक में जो सहमति बनी है, सामने सीएमओ में बात की है, तो उनकी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए दो तीन रास्ते हैं, किसी भी रास्ते जो आसान का रास्ता है उस रास्ते पे जाके इस डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। और वहां से भी एक ही चीज आ रहा है कि जो उग्र आंदोलन धारण हो रहा है उसको कैसे भी करके कम किया जाए। सीएम साहब ने भी अपील किया है, हम दो बीटीपी के विधायक हैं उनसे भी उन्होंने कहा है, और कांग्रेस के जितने लीडर हैं उन सभी को भी सीएम साहब ने पर्सनली कॉल करके कहा है कि इस मामले को कैसे भी करके शांत किया जाए। तो हम जो डेलीगेशन आया है वहां से उनको भी कह रहे हैं सभी चैनलों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, भरतपुर पुलिस ने